हेलो फ्रेंड्स, फूडी सिस्टर किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू बड़ा, जिसे कि महाराष्ट्र में बटाटा बड़ा भी कहा जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आलू बॉईल करेंगे और इसको ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। अब एक पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे और चुटकी भर हींग, थोड़ी सी कसूरी मेथी और राई, बारीक कटे प्याज डालेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बारीक कटी हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, खड़ा धनिया, सौंफ, काली मिर्च, लौंग, इस सब को हमने कूट कर इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसमें आलू डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डालकर इसको 2 मिनट तक कुक करना है और हरा धनिया डाल देना है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। इस प्रकार से हम इसके बॉल्स तैयार करेंगे। अब हम यहाँ पर बेसन लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा मिक्स करेंगे। इसका पकौड़ी जैसा घोल तैयार करेंगे। अब इसमें बॉल्स अच्छे से डिप करेंगे और फिर ऑयल में डीप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। दो मिनट बाद इनको पलट देना है। देखिए, हमारे आलू बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम धनिया की चटनी और सॉस के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।